पिछले 24 घंटा में उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक्सपेक्ट किया था। आज 4 जून सुबह हमारा जो रिकॉर्ड हुआ है उसमें मेनी प्लेसेस में इंटीरियर उड़ीसा में उसका कोस्टल एरिया में फ्यू प्लेसेस में रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। हाइस्ट रेनफॉल हुआ कटक डिस्ट्रिक्ट में, हाइस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ 51.0 मिलीमीटर कटक डिस्ट्रिक्ट का नरसिंहपुर स्टेशन में, फुलवानी में 49.2, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में 49.0 मिलीमीटर, नयागढ़ 46.0 मिलीमीटर, बरागढ़ 45.0 मिलीमीटर, बरागढ़ 38.4 मिलीमीटर, रायगढ़ नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में है 45.0 मिलीमीटर, इस तरह से रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है। अभी हमारा टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर मालकानगिरी में 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड था, यही हाइस्ट था, बाकी सभी जगह में 40 से नीचे है। इवन हमारा इंटीरियर ओडिशा में बिलो नॉर्मल था जैसे हमने कहा था, और कोस्टल ओडिशा में नॉर्मल था। अभी रेनफॉल एक्टिविटी आज थोड़ा सा कम होगा, बट फिर भी नॉर्थ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में मेनी प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म का साथ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का चांसेस है। साउथ उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में रहने का होने का चांसेस है। फिर आज का बाद कल से रेनफॉल एक्टिविटी और कम होने का चांसेस है अगला 2-3 दिन के लिए, मीन्स 5th, 6th, 7 तक रेनफॉल एक्टिविटी कम ही रहेगा। 8th को थोड़ा सा साउथ उड़ीसा में इंक्रीज होने का चांसेस है। अगला 24 आवर्स में हमारा जो वार्निंग है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग गस्टी सरफेस विंड का, सुंदरगढ़ झारसीगुड़ा संबलपुर देवगढ़ केवंझर मयूरभंज ओंगोल धेनकेनाल जाजपुर बालासोर भद्रक कटक नयागढ़ मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा, इसमें थंडरस्टॉर्म का लाइटनिंग 30-40 गस्टी सरफेस विंड होने का चांसेस है। फिर कल वार्निंग नहीं है बट एक दो जगह में थंडरस्टॉर्म का साथ लाइटनिंग और रेनफॉल होने का चांसेस है, मिल्ली कोस्टल उड़ीसा केवंझर मयूरभंज सुंदरगढ़ तेनगन कोरापुट मलकानगिरी, बट वो लोग एक दो जगह में ही रेनफॉल होगा, 6-7 को ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी नहीं रहेगा। 8 तारीख को फिर रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज होने का चांसेस है। साउथ एक्सट्रीम साउथ में जैसे मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ कंधमाल उस तरफ गजपति गंजाम, और फिर 9 तारीख में भी साउथ में ही एक्टिविटी ज्यादा रहेगा, मेनली इंटर एक्सट्रीम साउथ कोरापुट मलकानगिरी रायगढ़ नवरंगपुर इस तरफ, बाकी डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में रेनफॉल कुलकाली होने का चांसेस है। और अभी हमारा मॉनसून का जो ये है, मॉनसून आज हमारा बे ऑफ बंगाल में कुछ पोर्शन में फर्दर एडवांस हुआ है। बे ऑफ बंगाल का जो एडवांस हुआ है उसमें जो ये है, इसमें साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और मोस्ट पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एंड सम पार्ट्स ऑफ ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, हमारा सेंट्रल पार्ट का ईस्टर्न सेंट्रल बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न पार्ट में हुआ है। 18.9 डिग्री नॉर्थ 94 डिग्री ईस्ट इसका एक्सट्रीम लिमिट ईस्टर्न का है, 15 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री ईस्ट, इस तरह से हमारा बे ऑफ बंगाल का जो पोर्शन आएगा उस तरफ एडवांस हुआ है साउदर्न, और कंडीशन अभी फेवरेबल है बे ऑफ बंगाल का और भी पोर्शन में एडवांस होने का। तो नेक्स्ट अगला 2-3 दिन में वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल इसमें फर्दर एडवांसमेंट का, ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल ये सब में उसका पूरा होने का चांसेस है। और सबसे और जो ये है मेन फीचर अभी जो है हमारा 8 तारीख का आसपास मीन्स 8-9 इसमें हमारा एक लघुचाप व लो प्रेशर सिस्टम बे ऑफ बंगाल में होने का चांसेस है, जिसका प्रभाव में अगला 5 दिन तक वार्निंग नहीं है, बट उसका बाद हमारा 10 तारीख से मेनली रेनफॉल एक्टिविटी ज्यादा होने का चांसेस है उनके उड़ीसा में।